हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एम जी एडिट जॉनसो। गैस आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ स्टेप से एलो मोडी टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन की सहायता से। तो गैस आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपनी फोटो में आसानी से कुछ स्टेप से टोन दे सकते हैं। तो गैस इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाला फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइट रूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइट रूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +12 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेड कलर की सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी मॉडल का लिप्स है वो थोड़ा और कलरफुल लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +30 एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो नेचुरल लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -8 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन का कलर है वो सही लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -40 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +22 एंड नेक्स्ट जाते हैं येल्लो कलर पे एंड येल्लो कलर पे आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +80 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर में एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लिख जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -80 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +81 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20 एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हम अपनी फोटो को अपनी फोटो की परफेक्ट रूप से लाइट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो एक्सपोजर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -0.30 एंड यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -21 एंड यहाँ से शैडोज की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो शैडोज की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21 एंड यहाँ से ब्लैक्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस ब्लैक्स की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +14। अब हम अपनी फोटो में क्वालिटी देंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +30 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी फोटो की जो लाइटिंग है वो थोड़ा और ज़्यादा आए। ठीक है, तो इसे रखते हैं -8 एंड आप क्या करेंगे, हमारी फोटो को स्मूथ करेंगे। ठीक है, ताकि फटे नहीं, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो की शाइनिंग है वो थोड़ा और बढ़ जाए। ठीक है, तो इसे रखते हैं 25 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 16 एंड नीचे आते हैं एंड यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। ठीक है, तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव्ड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।